गाय की सारवार करके ना वो गाय बचती नहीं है ना, तब मेरे को बहुत दुख होता है कि ये मेरा लड़के जैसी गाय थी वो चली गई, अब मैं क्या करूँ। इतनी सेवा करके ना भगवान मुझे भी ऐसा दिन दिखाता है, तब मेरे को बहुत रोना आता है। मेरा हस्बैंड की डेट हो गई, लड़का लड़की कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब मैंने सोचा ये काम धंधा तो कर नहीं पाऊंगी, अब इसलिए मैंने गाय की सेवा शुरू कर दी। गाय की सेवा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ कोई एक्सीडेंट वाली गाय आती है, कोई बछड़ा आता है, कोई नहीं रख पाते, कोई खिला नहीं सकते, वो छोड़ जाते, उसको भी हम रखते हैं। उस गाय की सेवा करने के लिए मुझे बाहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ता है, हमारे पास मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास 700 गाय है, एक गाय को कम से कम 40 किलो घास देना पड़ता है, फिर भी इसको खाने में घट पड़ती है। कुछ न कुछ करते उधार लेते, बाकी में आजू बाजू वाला खेत वाला वो सब आता है हमारे खेत में से, ले जाओ बेन उठा जाओ तुम, पर कैसे उठाए, हमारे पास गाड़ी नहीं है। पहले तो मेरी आपको आप सब दाता को रिक्वेस्ट है, मेरी गाय को चारा पूरा नहीं मिलता, ये मेडिकल की सुविधा नहीं है, वो सब थोड़ा थोड़ा करके ना गौ माता को मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, हमारी गाय माता सुखी तो तुम भी सुखी।